पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में अभी नहीं लागू हो सकती नई शिक्षा नीति, शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चंद्रशेखर ने ऐसा कहा, शिक्षकों को और कर्मचारियों की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में कई तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, देश के सभी राज्यों को नई शिक्षा नीति लागू करना है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि राज्य में अभी शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसके साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की जरूरत है, लिहाजा इन सभी को देखते हुए वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक बदलाव किया है और मौजूदा सिलेबस में अहम बदलाव करने होंगे। छात्रों में क्रिएटिकल और साथ ही थिंकिंग के साथ ही समस्याओं को सुलझाने वाले कौशल विकसित करना होगा। शिक्षा मंत्री शनिवार को पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करे। सरकार की ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि अभी हड़बड़ी में जब हमारे पास शिक्षक की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, 4 वर्षीय कोर्स के लिए और शिक्षक कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, हमारा फिनेंशियल इम्प्लिकेशंस होगा उसमें बहुत सारा, तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल इसको लागू करने का इरादा नहीं है। आगे आने वाले वर्ष में सरकार इस पर विचार करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, ऐसे तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो सरकार खूब बखान करती है कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब नई शिक्षा नीति बेहतर भविष्य के लिए लागू करने की बात होती है तो कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। देखिए, यही तो बात है कि नीतीश सरकार की यूएसपी रही है, और नीतीश सरकार के जो भी लोग होते हैं, जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि शिक्षा में हमने इन 17 सालों में क्या कुछ विकास किया। और ख़ास बात यह है कि 17 सालों से अगर देखा जाए तो बिहार में जेडीयू की सरकार है, और 17 साल सिर्फ अगर देखा जाए तो जेडीयू के कोटे में ही शिक्षा विभाग रहा है। ये पहली बार हुआ है कि साल 2022 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और उसकी जगह जब आरजेडी आई तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के विधायक को दी गई। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर इस पर सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षकों की कमी की भी बात कही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कई सारी जो समस्याएं हैं उसका जिक्र प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया है। अमूमन पूजा देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है कि जिस विभाग का मंत्री है वो अपने मंत्रालय के कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन यहां शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी कमियां हैं। और इसी पर अब देखिए कि बिहार में जमकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जेडीयू जो है वो असहज हो रही है और कहीं ना कहीं इस बयान से वो किनारा करने की कोशिश में है, और तभी ये बार बार बयान जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है कि देखिए कि 17 सालों में हमने बिहार की ना सिर्फ सूरत बदल दी बल्कि उसकी पूरी तस्वीर बदल के रख दी है, और जिसमें शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जेडीयू के नेता हों या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, लगातार आप देखिएगा कि एम्पावरमेंट की बात करते हैं, गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं, साइकिल योजना से लेकर पोशाक योजना, मिड डे मील, इन तमाम चीजों को सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती रही है। देखिए कि लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, लड़कों के लिए कई सारी सुविधाएं दी गई हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार वो राज्य बना जहां पर राज्य सरकार अपने कोटे से जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाई के लिए आगे पैसा देती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं यूएसपी के तौर पर नीतीश सरकार, नीतीश
नीतीश कुमार ये आगे करते रहे हैं, लेकिन देखिए कि उन्हीं की सहयोगी पार्टी जो है आरजेडी और शिक्षा मंत्री बकौल प्रोफेसर चंद्रशेखर अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हास्यास्पद है कि तमाम शिक्षक जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर बहाली की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह प्रदर्शन के दौरान उन्हें काफी दिक्कतें हुई, लेकिन बावजूद इसके प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि बहाली होगी और आज वो खुद कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कमी है ही, साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों की भी कमी है। एक तरफ तो भविष्य जो है, युवा जो है वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमें नौकरी दो, और दूसरी तरफ सरकार को मालूम है कि कमी है लेकिन उस कमी को पूरा नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी सी सराहना ज़रूर करनी चाहिए प्रोफेसर चंद्रशेखर की, क्योंकि देखिए कि अमूमन राजनीतिज्ञ अपनी कमी जो है वो उजागर नहीं होने देते हैं, छुपाते हैं। ये बात तो तय है कि भले ही नीतीश सरकार दावा ठोक ले, अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन शिक्षा में काफ़ी कमी है। भले ही कागजों पर आपके स्कूल जो हैं वो स्मार्ट क्लासेस के तौर पर तब्दील हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सुदूर ग्रामीण इलाकों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना के पौश इलाकों में, इसी इलाके में जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तमाम लोग जो हैं उनका आवास है, यहां पर प्राइमरी स्कूल्स की कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर कब हादसा हो जाए कोई नहीं जानता, और ये प्रमुखता से न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड ने ये खबरें पहले दिखाई भी हैं। अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर बेंच की बात कर लें, डेस्क की बात कर लें, ब्लैक बोर्ड की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई दफ़े आप खबरें भी आती हैं, हम दिखाते हैं कि शिक्षक जो हैं वो पहुँचते नहीं हैं, या शिक्षकों में वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने डेयरिंग की है, उन्होंने एक हिम्मत जुटाई है, लेकिन आखिर सुधार कौन करेगा? पूरे विभाग की जो जिम्मेदारी है प्रोफेसर चंद्रशेखर के कंधों पर है, तो सुधार भी तो आप ही को करना है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी है उसको सड़क पर आप उसकी पिटाई करवाते हैं, आप शिक्षकों की कमी का रोना रोते हैं, आप कहते हैं कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, और जब नौकरी देने की बात आती है तो वादा खिलाफी कर देते हैं, फिर आप रोना रोते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसे बदलने की जरूरत है। तो सरकार के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनमें आपसी तालमेल की ही कमी दिखती है, उनकी कथनी और करनी में ही फर्क दिख जाता है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और प्लान कुछ और करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बयान दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए इसको लेकर राजनीति करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। और इस बयान को लेकर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू खुद को बेहद असहज महसूस कर रही है, और प्रोफेसर चंद्रशेखर जब भी कोई बयान देते हैं तो उस बयान से कहीं ना कहीं जेडीयू किनारा करने की कोशिश करती रहती है, तो इस पर भी खूब हाय तोबा मचा हुआ है। हालांकि अगर आरजेडी की बात करें तो जैसे रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया था और उस बयान का समर्थन किया था आरजेडी ने, और ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि अपने मंत्री का बचाव भी किया था, तो इस मामले में भी आरजेडी के जो नेता हैं वो प्रोफेसर चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर तर्क यही है कि जो कमी है उसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, और शिक्षा मंत्री ने इस कमी को स्वीकार किया है, ये सराहनीय है, और जो भी कमियां उन्होंने उजागर की हैं उसे आने वाले समय में दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है रितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे इस खबर पर।